पिछले 9 महीने से, जब से हमारे दामाद को नाजायज तरीके से फंसाया गया, 8.5 महीना जेल में रहकर आया और 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश में स्पष्ट हो गया कि धाराएं गलत तरीके से लगाई गई और हम उसको लेके हाई कोर्ट में मामला निरस्त करने के लिए जाएंगे। आगे कानूनी लड़ाई है, वो लड़ेंगे। लेकिन पिछले लगभग 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, नवाब मलिक ड्रग के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनका दामाद जेल में है, और कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस तरह के बयान नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी। नवाब मलिक ज्या प्रकारे म्हणाले की भाजपचं ड्रग्स कनेक्शन, आता नवाब मलिकांचे जावई हे ड्रग्स सकट सापडलेत, मग नवाब मलिकांचाच जर रेशिओ लावला तर की एनसीपी पार्टी ही ड्रग माफिया झाली पाहिजे, कारण संबंध नसलेल्या व्यक्तीसोबत फोटो आल्यामुळे जर कोणी ड्रग माफिया होत असेल तर ज्यांच्या घरीच ड्रग्स सापडतात त्यांची पार्टी काय होणार आहे। परंतु नवाब मलिक यांनी दिवाळीच्या दिवशी लवंगी फटाका लावला आहे, आता नवाब मलिक यांनी लक्षात ठेवावं, दिवाळी झाल्यानंतर बॉम्ब मी फोडेल। याचं कारण असं आहे की मी काचेच्या घरात राहत नाही, ज्यांचे संबंध अंडरवर्ल्डशी आहेत अशा लोकांनी माझ्याशी बोलू नये आणि ड्रग्स संदर्भातही बोलू नये, आणि या संदर्भातले सगळे पुरावे हे आपल्यासमोरही मांडेन, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष श्री शरद पवार साहेब यांना देखील नवाब मलिकांचे अंडरवर्ल्डशी असलेल्या संबंधाचे सगळे पुरावे हे मी या ठिकाणी पाठवणार आहे।